पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड केवी उपकेंद्र पालनपुर भुज सीएसआर योजना थी एम्बुलेंस अने मेडिकल उपकरण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र निरोणा ने आज रोज आपवामां आव्या हता। तेमां नखत्राणा मामलतदार श्री कच्छ आरोग्य समिति चेरमेन अने निरोणा गामना सरपंच श्री तथा तेमनी टीम अने सीजीएम ऑफ भुज केवी सुब्रमण्यम नखत्राणा तालुकाना हेल्थ ऑफिसर एके प्रसाद तथा बधीज समाजना अग्रणीओए हाजरी आपी हती। पावर ग्रीड कॉर्पोरेशन नी सीएसआर अंतर्गत जे साधन सामग्री अहीं निरोणा प्राथमिक आरोग्य केन्द्र ने आपवामां आवी छे एमां माता अने बाळकना जीवन बचाववा माटेना लाइफ सेविंग इक्विपमेंट छे एनी साथे साथे एम्ब्युलन्स अने बीजी फोगिंग मशीन जे पब्लिक हेल्थ माटे एक्टिविटी माटे उपयोगी छे एवी खूब ज जरूरी साधन सामग्री जे छे એમણે મેડિકલ ઓફિસર સાથે સંકલન કરીને આપી છે। મોટી કંપનીઓ અને સરકાર છે બંને ટેન્ડમમાં સાથે રહી અને આ સ્થાનિક એરિયાનો વિકાસ કરવા માટેનો પ્રયત્ન કરી રહી છે। એકદમ સરાહનીય કામ છે। આ જે ઇક્વિપમેન્ટ મળ્યા છે એનો ખૂબ જ સારો ઉપયોગ થશે આરોગ્ય કેમ્પો કરવા માટે, દર્દીના ટ્રાન્સફર માટે, પ્રસૂતિઓની સેવા સુદૃઢ કરવા માટે અને બાળ આરોગ્યની સેવાઓ પણ એનાથી અહીંયા આ વિસ્તારમાં સુદૃઢ થશે। જનરલ ઓપીડી પણ જે બિનચેપી રોગો છે એને લગતી સારવારની વ્યવસ્થા આયુષ્યમાન ભારત નીચે જે પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના નીચે જે થઈ રહી છે એ કામગીરીને પણ વધારે બળ મળશે અને ખૂબ જ ટૂંકા ગાળામાં નિરોણા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર છે એ 24/7 પણ વિશેષ થઈ શકશે। એટલે એમની એ જે કામગીરી એમના દ્વારા કંપની પાવર ગ્રીડ કોર્પોરેશન દ્વારા આ વિસ્તાર માટે જે થઈ છે એ ખૂબ જ સારી કામગીરી છે, એ બદલ એમને અભિનંદન અને આગળ પણ આવી કામગીરી કરતા રહેશે એવું એમના જે ઉચ્ચ અધિકારીશ્રીઓ છે એમણે કહ્યું। એમની સાથે જે ઇન્ટરેક્શન થઈ એ પ્રમાણે એમને આ રૂરલ એરિયામાં કામ કરવું વધારે ગમી રહ્યું છે તો એ પણ એક ખૂબ જ સરાહનીય બાબત છે। તબીબી અધિકારીઓની નિમણૂક રાજ્ય કક્ષાએથી 15 દિવસમાં થઈ રહી છે, કોઈ પણ પીએચસી સીએચસી તબીબ વિહોણું નહીં રહે। એ યોજના હમ લોગ પાવર ગ્રીડ મેં કહેતે હૈ કોર્પોરેટ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી સીએસઆર બોલતે હમ લોગ એ 2021-22 કા સાલ કે લીએ હર સાલ ઇસકા હોતા હમારા તો હમ 21-22 કે લીએ હમને યહાં સે લિયા ઇનકા ગાંવ કા સબસે મતલબ જ્યાદા જરૂરત ચીજ ક્યા હોતા હૈ उसके बारे में हमने इन लोगों से चर्चा किया मेडिकल डिपार्टमेंट में भी, क्योंकि हमारा पॉलिसी कॉर्पोरेशन में दो चीज़ होता है, एक फंडिंग एलोकेशन होता है, एक एक सब्जेक्ट होता है। तो हमारा कॉर्पोरेट ने हमको दिया है सीएसआर में 2021-22 का सब्जेक्ट है वो मेडिकल एंड वाटर कंजर्वेशन इस टाइप का दिया है। तो हम लोग इसमें क्या डिमांड है विलेज में पता किया TDHO से और मेडिकल ऑफिसर लोगों से पता किया तो हमको पता चला कि यहाँ मेडिकल हेल्थ सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसके लिए कुछ छोटा छोटा उपकरण चाहिए था, उसका डिटेल लिया उन लोगों से। और अभी जो एम्बुलेंस हम दे रहे हैं तो इसका भी डिमांड आया, इसके लिए भी डिमांड आया। तो ये दोनों हम लोग अपना अपना जो प्रोसीजर के हिसाब से कलेक्टर मैडम के थ्रू रिकमेंड करा के ये जाता है अप्रूवल के लिए, हमारा दिल्ली कॉर्पोरेट सेंटर तक जाता है, अप्रूव करा के हम यहाँ आज डोनेट। एजुकेशन के लिए हम लोग है ना ये 2021-22 के लिए हमारा अभी हेल्थ में ही रहा है, तो आगे का साल में अभी देखिए इसमें क्या हुआ है 2020-21 और 21-22 दो साल हेल्थ सेक्टर के लिए बहुत चैलेंजिंग रहा इंडिया में जैसा कोरोना वायरस की वजह से। तो हमारा कंपनी का सीएसआर में जितना भी फंड एलोकेशन होगा वो पूरा मैक्सिमम हम लोग डायरेक्टली पीएम केयर्स में डोनेट किए हैं हमारा चेयरमैन की साइड से। तो उसके बाद जो भी जितना भी रीजन के लिए एलोकेशन होता है उसमें हमको ये डायरेक्शन दिया गया है कि मैक्सिमम हेल्थ सेक्टर में स्पेंड करें। तो अभी कोरोना वैसा ये सीजन ख़त्म हो रहा है तो आगे मतलब एजुकेशन और हर साल थीम चेंज होता है, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, जैसा मैंने बोला वाटर कंजर्वेशन और बाकी जो कहा मतलब रोड चाहिए वो जहाँ रोड कनेक्टिविटी नहीं है गाँव के अंदर का अच्छा रोड, ऐसा हर साल के लिए हमको डायरेक्शन आता है। तो 22-23 में हमको जो डायरेक्शन आएगा उस हिसाब से अगर एजुकेशन में हमारा फिट होता है तो डेफिनेटली हम लोग कलेक्टर मैडम से बात करके उनका भी रिकमेंडेशन लेंगे और जो हमारा रूल्स के अंदर होगा हम कर देंगे।